दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली एनआईवीएस क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत खलबली मची हुई है कि उनको मार्क्स किस तरह से मिलेंगे, नंबर्स कैसे आएंगे, किस तरह से टीएमए उनके हुए थे और किस आधार पे उनको नंबर कैसे मिलने वाले हैं, राइट। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल लगभग आइडिया लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली कि आपके नंबर किस तरह से आपको मिलने वाले हैं, राइट। देखिए हम बात करते हैं पहले एनआईवीएस के स्ट्रीम वन के स्टूडेंट्स की, जो बच्चे पब्लिक एग्जाम में काउंट होते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं आपके टीएमए की। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश का टीएमए हुआ था, इंग्लिश के अंदर आपको 20 में से 12 नंबर मिले थे, सपोज करते हैं 20 में से 12 नंबर आपको मिले थे, तो उसके आधार पर आपको जो फाइनल नंबर मिलने वाले हैं 100 में से, वो मिलेंगे लगभग 50 से 60 के अराउंड, अगर जिसके 20 में से 12 आए हैं। कैलकुलेशन, ये एनआईवीएस की कैलकुलेशन है, जिसके बारे में पूरा डीपली तो शायद मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन मैं लमसम आपको बता रहा हूं कि इस तरह से आपके नंबर आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपके इंग्लिश में 20 में से 12 आए हैं तो आप मान लीजिए कि आपके 50 में से 60 मार्क्स आएंगे। पेंटिंग की अगर बात करें, किसी बच्चे के पेंटिंग में 6 में से 4 आए हैं, मान लीजिए किसी ने 4 नंबर लिए हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर 4 नंबर तो बहुत कम दिए हैं, अरे 6 में से ही तो दिए ना आपको, तो 4 ठीक है, राइट। पेंटिंग में 6 में से 4 आपके आए हैं, तो आप मान के चलिए पेंटिंग में आपके 40 से 50 मार्क्स के बीच में आपके बनते हैं आउट ऑफ 100, राइट। अब फिजिक्स के बच्चों की बात करते हैं, फिजिक्स के बच्चों के मान लीजिए अगर 20 में से 16 नंबर किसी बच्चे के अगर आए हैं, तो उसका अप्रोक्सीमेटली जो बनेगा वो 100 में से 50 या 60% बनता है, राइट। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। अब देखिए पॉइंट यहां पे निकल कर आ रहा है प्रैक्टिकल एब्सेंट, यानी कि पिछले साल सेम कोरोना की सिचुएशन के अंदर जिन बच्चों के प्रैक्टिकल में, जो बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिकल दिए भी थे लेकिन फिर भी उनको जो है एब्सेंट वहां पर शो हो रहा था, तो वो बच्चे बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि आप लोगों के इस बार प्रैक्टिकल्स तो हुए ही नहीं। प्रैक्टिकल्स पिछली बार इसलिए किए गए थे क्योंकि मार्क्स को आवंटन करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, सीबीएसई वालों को, सीबीएसई बोर्ड को दिक्कत थी, तो उन्होंने बच्चों को प्रैक्टिकल, बच्चों के प्रैक्टिकल के थ्रू उन्होंने कुछ मार्क्स इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिकल्स लेकर और मार्क्स को इंक्रीज करके बच्चों में आवंटन कर दिया गया था, राइट। और रिजल्ट भी काफी ठीक आया था, तो उसी प्रकार से मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि यहां पर इस बार आपके प्रैक्टिकल नहीं हुए, तो यानी कि जो कुछ भी है वो एनआईवीएस स्ट्रीम वन के बच्चों को जो भी दिया जाएगा वो टीएमए के आधार पर ही दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इंग्लिश में 20 में से 12 के लमसम आपके नंबर आए हैं, तो आप 50 से 60 100 में से मान सकते हैं कि आपको मिलेंगे। आइडिया आप लगा सकते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रीम वन की बात करें, स्ट्रीम वन में ओल्ड स्टूडेंट यानी कि एनआईवीएस के ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 3 से 4 सब्जेक्ट तो पास कर लिए थे लेकिन कोई एक में, कोई दो में या कोई 3 सब्जेक्ट्स में उसने दोबारा भरा है, वो रीज्वाइन मारा है उसने कि भाई मैं दोबारा पेपर देना चाहता हूं, तो उनको किस तरह से नंबर मिलेंगे अब उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ओल्ड स्टूडेंट है आप ऑलरेडी, यानी कि आपने 3 या 4 सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी पास कर रखे हैं, मान लेते हैं आपने 4 सब्जेक्ट पास किए हैं, राइट। तो 4 नंबर में से कोई भी 3 सब्जेक्ट ऐसे लिए जाएंगे, चुने जाएंगे जिनमें आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। सपोज कीजिए आपके एक में हाईएस्ट आए 60, एक में हाईएस्ट आए 70, राइट। अब 60 और 70 को आप करेंगे प्लस और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका लमसम 65 जो है मार्क्स बन जाते हैं पर सब्जेक्ट का, तो वो आपको इसमें बेस्ट 3 के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। बेस्ट 2 की बात करें, यानी कि मान लीजिए 3 सब्जेक्ट आपने पास किए हैं, तो उसमें से कोई बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको प्लस किया जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि आपको कितने, कौन से बेस्ट थे उनके, आप उन बेस्ट में से मान लीजिए 3 आपके बेस्ट हैं, तीनों को निकालिए प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी बनता है आपका। आप देखिए 3 बेस्ट है तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बेस्ट है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करके पता चल जाएगा, राइट। अब मान लीजिए अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं और 2 में आप पास हुए थे, और 2 सब्जेक्ट में अगर आप पास हुए हैं, 2 ही बेस्ट हैं, तो उन 2 को प्लस करके जो भी आपका कैलकुलेट डिवाइडेड बाय 2 जो भी कैलकुलेशन करके आपका जो पर्टिकुलर मार्क्स बनेंगे ओल्ड स्टूडेंट्स को, जो स्ट्रीम 1 वालों को, उसमें दे दिए जाएंगे उनके एग्जाम में, राइट। अब हम बात करते हैं यहां पर स्ट्रीम 2 की, यानी कि स्ट्रीम 2 में वो बच्चे होते हैं जो यानी कि सीबीएसई बोर्ड से आते हैं और एनआईवीएस में एडमिशन लेने के लिए टीओसी करवाते हैं, राइट। मान लीजिए आपने 2 में टीओसी करवाई, हिंदी और इंग्लिश, अगर आप मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश 2 में आपने टीओसी करवाई है और प्रोसेस सेम रहेगा, अगर आप मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में टीओसी करवाई है, तो हिंदी और इंग्लिश में मान लीजिए एक में 60 आए थे आपके,
एक में 70 आए थे, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपके मार्क्स बनते हैं, सपोज 65 बन रहे हैं, तो आपके अदर सब्जेक्ट्स में जिसका आपने भरा है फॉर्म, आपको उसमें 65 की परसेंटेज के हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो स्ट्रीम 2 के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि उनको उनके बेस्ट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही उनको नंबर मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट कहीं भी पुअर नहीं आने वाला है, राइट। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम 4 की। अब स्ट्रीम 4 में क्या है, स्ट्रीम 4 यानी कि स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 जो कि ऑन डिमांड वाले बच्चे हैं, बहुत सारे ऑन डिमांड वाले बच्चे सवाल कर रहे हैं क्योंकि उनका कुछ सबमिट भी नहीं हुआ। अब वो इस चिंता में कहीं ऐसा तो नहीं हमें मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिजल्ट आपका भी आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए कैसे। स्ट्रीम 3 और 4 यानी कि ऑन डिमांड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कि 2 में 3 में या 4 सब्जेक्ट्स में ओल्ड पास है, मतलब उन्होंने पहले 2 या 3 4 सब्जेक्ट्स के अंदर और किसी बोर्ड से ऑलरेडी वो पास आउट हैं, बाकी जिन सब्जेक्ट्स में आप रह गए थे उसके लिए आपने जो ऑन डिमांड में सिटिंग ली है कि हम इन सब्जेक्ट्स को देना चाहते हैं, तो आपको भी मार्क्स सेम प्रोसेस के हिसाब से मिलेंगे। यानी कि अगर आपने 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी आप पास जाए, उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आपके बेस्ट मार्क्स वाले ले लिए जाएंगे और उनको डिवाइडेड बाय जो भी आपके सब्जेक्ट्स बनते हैं, टोटल सब्जेक्ट्स जो है उससे डिवाइड करके जो भी आपकी परसेंटेज बनेगी वही परसेंटेज आपको उस आपके एग्जाम में दे दिए जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट्स में नंबर मिलने वाले हैं इस बार। ओके, अब बात करते हैं जो आपके पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल मार्क्स में किसी भी तरह की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी, यानी कि जिसको जो नंबर दे दिए थे, कई बच्चों को ये शिकायत थी, दे वर सरप्राइज कि व्हाई डिड दे गेट सो लेस मार्क्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उन बच्चों के, उन्होंने अपील भी किया था लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको छूट दी जा रही है कि मार्क्स में इंप्रूवमेंट पहले बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन अब इंप्रूवमेंट होगा। यानी कि एक तो ऑलरेडी आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं, बेस्ट 2 या बेस्ट 3 में से मिल रहे हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से मुझे जब कोई दिक्कत नहीं है ये सोच के कि मेरे प्यारे बच्चों को इतने बढ़िया मार्क्स मिलने वाले, तो आपको भी इस बार अच्छे मिलेंगे। इनकेस इंप्रूवमेंट अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो भी वो करवा सकता है, उसके लिए जो भी अभी आगे नोटिस लगेंगे उस हिसाब से आपको क्राइटेरिया बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप एग्जाम्स दोबारा दे सकते हैं या कुछ रीचेकिंग या कुछ ऐसा प्लान जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये था, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, एनआवर स्ट्रीम 1 पब्लिक एग्जाम मैंने बता दिया आपको क्लियर, यहाँ पे स्ट्रीम 1 ओल्ड स्टूडेंट को किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे बेस्ट में से निकाल के और उसका परसेंटेज निकाल के दिया जाएगा। स्ट्रीम 2 यानी कि ऑलरेडी टीओसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट्स में कैसे मिलेंगे, मेरे ख्याल से आपको ये दिक्कत अब नहीं आएगी, आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि किस तरह से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आप टेंशन और वरीड बिल्कुल भी ना हो। जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लिखिए और मुझसे सवाल कीजिए, मुझसे पूछिए, और भूलिए मत बगल में सब्सक्राइब का बटन है उसको लाल वाले बटन को दबाइए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि घर बैठे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, राइट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।